प्रगति बंसल और आप देख रहे हैं ऑल द न्यूज। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फाइनल में जगह बनाई। 6 गेंद बाकी रहते हासिल किया 177 का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने पलटा मैच का रुख में 17 गेंद में बनाए ताबड़तोड़ नाबाद 41 रन। छठे विकेट की साझेदारी में स्टोइनिस और वैड ने बनाए 81 रन। 96 रन पर ही गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट। 14 नवम्बर को दुबई में फाइनल में भिड़ेगी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोनों टीमों ने अब तक नहीं जीती है ट्रॉफी। निशा मर्डर केस में मुख्य आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम। पुलिस ने जगह जगह चिपकाए पवन और सचिन के पोस्टर। दोनों आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर दबिश। क्राइम ब्रांच ने गठित की 4 टीमें। बुधवार दोपहर निशा और उसके भाई की गोली मारकर की गई थी हत्या। डबल मर्डर केस में पवन की पत्नी सुजाता समेत 2 लोग गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पवन ने निशा को मारी 4 गोलियां। भाई के शरीर से 3 गोलियां बरामद। बरेली में सिपाहियों ने दिव्यांग युवक को दौड़ा दौड़ा के पीटा। सड़क पर गिरने के बाद मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सस्पेंड। बागपत में मेडिकल स्टोर मालिकों को चूना लगाने वाले गिरोह पर शिकंजा। CID देखकर बनाते थे प्लान। 2 महिलाएं समेत 5 लोग गिरफ्तार। मुंबई में नारकोटिक सेल ने नाइजीरियन तस्कर को पकड़ा। 2 किलो मैथोकोलोन ड्रग्स बरामद। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से जंग जारी। श्रीनगर और कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। साथ में सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में मिली थी 2 आतंकियों के छिपे रहने की जानकारी। दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आज 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। कासगंज केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी। अब तक 5 पुलिस वालों का निलंबन। बेंगलुरु में बीजेपी के 24 प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। नई दिल्ली में PM मोदी आज करेंगे रिजर्व बैंक की 2 अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों की शुरुआत। ठाणे से जावेद अख्तर को RSS तालिबान टिप्पणियों के लिए कोर्ट से नोटिस। 12 नवम्बर को पेश होने का निर्देश। UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 नवम्बर को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। मनीष गुप्ता हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। केंद्र और यूपी सरकार से मांगा है जवाब। मुंबई में समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि के दावे पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। चेन्नई में गुजरात में 4 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे तमिलनाडु के 10 कांग्रेसी नेता। नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पूरे भारत में 12 नवंबर को किया जाएगा आयोजित। काठमांडू नेपाल में 12 और 19 नवंबर को होंगे मध्यावधि चुनाव। दिल्ली में छाई धुंध की चादर। हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।